अगर वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊं तो ये अंटार्कटिका है। ये वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा देश है जिसके पास अंटार्कटिका का मालिकाना हक है। देखो, इतिहास में जैसे जैसे अलग अलग देशों ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया, वैसे वैसे अपना पोर्शन क्लेम करना शुरू कर दिया। जैसे इस अंटार्कटिका के मैप के ऊपर न्यूजीलैंड कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, फ्रांस कहता है कि ये हिस्सा मेरा है, नॉर्वे कहता है ये हिस्सा मेरा है, यूके का ये है, अर्जेंटीना का ये है, चिली का ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 1959 को 12 कंट्रीज मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं और सब कुछ बदल जाता है। उस एंटार्क्टिक ट्रीटी के हिसाब से एंटार्क्टिका में कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, अगर कुछ होगा तो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्चेस और उसके रिजल्ट भी आपस में शेयर किए जाएंगे। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि जब तक एंटार्क्टिक ट्रीटी एक्सपायर नहीं होती तब तक एंटार्क्टिका सन और मून की तरह है। इसका मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल सब कर सकते हैं लेकिन किसी के बाप का कोई हक नहीं है उस पे। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।